अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ। आप देख रहे हैं अर्निंग टास्क। तो आज हम जो बिज़नेस के बारे में बात करेंगे वो है 50 ऑफलाइन बिजनेस आइडियाज। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास ये आता है क्लीनिंग सर्विसेज, चाइल्ड केयर, इन होम एल्डर केयर, मीन्स देर इज आल्सो, ये इसकी डिटेल लिखी हुई है, देर इज आल्सो अ बिग डिमांड फॉर होम एल्डर केयर। यू कैन प्रोवाइड सर्विस टू क्लाइंट इन योर एरिया डेली और रेगुलर बेसिस। मीन्स के जो हमारे पास एल्डर होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनकी होम केयर करने के लिए कोई नहीं है, तो इस पर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है कि इससे जो हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको कौन संभाले, तो उनके लिए नर्सेस होती हैं, होम मेड्स होती हैं, वो देखती हैं। कॉफ़ी कार्ड लगा सकते हैं, फूड ट्रक लगा सकते हैं, मोबाइल फूड ट्रक, गिफ्ट शॉप होता है, कैटरिंग होता है, फोटोज इंटरटेनमेंट, फूड बिजनेस, कैटरिंग बिजनेस, जो ये भी आप मोबाइल वाला बिजनेस कर सकते हैं, जो कि अब मोबाइल कोई कैरियर होता है बाहर लगा देते हैं, या फिर मॉल्स के आगे, मार्केट्स के आगे छोटा कैबिनेट लगा के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बेकर है, गार्डनर है, इफ़ यू लुकिंग फॉर अनदर आउटडोर बिजनेस आइडिया, यू कैन सेट अप योर ओन गार्डनिंग बिजनेस। अब उन लोगों को गार्डनर चाहिए होता है, गार्डन को क्लीन करने के लिए, वैन करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए। लैंड स्केपिंग सर्विस, मूविंग बिजनेस यहाँ पर लिखा हुआ है। लाइक वाइज यू कैन ऑफर लैंड मूविंग और अनदर लैंड स्केपिंग सर्विस, वो शिफ्टिंग वगैरह। पेंट क्लीनिंग सर्विस, होम पेंटिंग, हैंडीमैन जो होता है, जो कि इफ़ यू आर गुड एट फिक्सिंग थिंग्स अराउंड द हाउस, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर ओन बिजनेस। मीन्स के जिसको हर काम आता हो, मीन्स कारपेंटरिंग थोड़ी बहुत आती हो, प्लम्बर भी हो, थोड़ा बहुत प्रिंटिंग भी आती हो, अच्छी छोटी मोटी चीज़ें सही करता हो, वो हैंडीमैन होता है। प्रिंट शॉप, डायरेक्ट मेल मार्केटिंग, पार्टी इंटरटेनर, बेड एंड ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं बेड उसको सोने के लिए, आप ऐसा समझें कि ये गेस्ट हाउस है, आप सोने के लिए बेड देने उनको और ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड कर दें, उसके लिए चार्ज कर लें आप। पर्सनल शॉपर भी बन सकते हैं, यू कुड आल्सो स्टार्ट योर ओन पर्सनल शॉपर बिजनेस, वेयर यू गो विद द क्लाइंट्स टू स्टोर एंड हेल्प देम पिक आउट द बेस्ट आइटम एट बेस्ट प्राइस। मीन्स के आप उनको अच्छी चीज़ अच्छे रेट्स पे दिलवाओगे, उसको कहते हैं पर्सनल शॉपर। जो शादियाँ होगी, शॉपिंग करने आते हैं यहाँ पे कराची में या बाहर शॉपिंग करने जाते हैं, उनको इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता है क्या रेट चल रहे हैं, कैसे बार्गेनिंग होती है, तो वो ये करते हैं। इवेंट प्लानर, तो आपको पता ही है क्लाइंट्स होते हैं उनके, लॉन्ड्री भी करता है, फिशिंग भी करता है और ग्रोसरी भी करता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। आप डिटेल्स यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है, लोगों को वो देख लीजिए और गूगल पे भी देख लीजिए, डिटेल आपको मिल जाएगी। फूड डिलीवरी बिजनेस कर सकते हैं, फॉरेस्ट मीन्स के फ्लावर शॉप, ठीक है, फ्लावर शॉप होता है इसको, आप डिटेल मौजूद है यहाँ पर भी, थोड़ी डिटेल मौजूद है, और आप गूगल पे और जैसे यूट्यूब पे दे सकते हैं। फार्म मार्केट वेंडर भी बन सकते हैं, ज्वेलरी मेकर बन सकते हैं, क्लॉथ डिज़ाइनर, ट्यूटर, डॉग वॉकर, पेट ग्रूमिंग, यहाँ पे पाकिस्तान में पेट ग्रूमिंग बिल्कुल नहीं है, मोबाइल पेट ग्रूमिंग मोबाइल आप खुद कर सकते हैं, मोबाइल रिटेल बैंकॉट ये भी नहीं है यहाँ पे, कार वॉश, बाइसाइकिल रिपेयर, मोबाइल फोन रिपेयर, फार्मिंग, कॉर्न मेज, क्रिसमस ट्री फॉर्म, टूर गाइड, सिक्योरिटी सर्विस, आर्टिस्ट, मसाज थेरेपी, पर्सनल ट्रेनर, एंटीक शॉप, यहाँ ये एंटीक शॉप इसकी भी ज़रूरत है पाकिस्तान में, ऑथर, स्पीच राइटर, डांस क्लासेस, पाकिस्तान में डांस क्लासेस बहुत कम है, इसकी भी ज़रूरत है, म्यूज़िक क्लासेस भी नहीं है यहाँ पे, इसकी भी अगर स्कूल या कोई कोचिंग सेंटर खोला जाए तो बहुत कमाया जा सकता है। करियर काउंसलिंग यहाँ पे नहीं है, मूविंग सर्विसेज, टैक्स प्रिपरेशन यहाँ पे नहीं है, अभी तो टैक्स आने वाले हैं, अभी तो ये IT पे टैक्स लगने वाले हैं और बहुत सारे टैक्स लगने वाले हैं, तो अभी इसकी में बहुत सारे इसकी डिमांड आने वाली है। और फंड रेजर आर आल्सो इन हाई डिमांड इन सम एरिया, यू कैन आल्सो बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन राइज मनी थ्रू इवेंट्स एंड लोन। अब इस हर कंपनी को, हर बिजनेस को फंड रेजर की जरूरत होती है, आपको पता मुझे फंड रेजर कैसे करते हैं, तो इसकी बहुत डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास आइडिया हो या सवाल हो या आप पूछना चाहते हो कि इससे कैसे स्टार्ट करता है विथ मनी या विदाउट मनी,
और इसको कैसे रन करना है, सक्सेसफुल कैसे बनाना है, आप कमेंट बॉक्स में पता है, मैं आपको डिटेल्स में आंसर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज़ आने